माई चैनल अनदर ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइज मैं बैठी हूँ मौसा जी के ऑफिस में। देख सकते हो ये मौसा जी का ऑफिस। हम लोग फिल्म सिटी से आने के बाद यहीं पे बैठ गए बिकॉज पतिदेव का आज काम फाइनली ऑफिस का ख़त्म होने वाला है। और बेटा फिर वहाँ चोट लग जाएगी। धनवी इधर आ जाओ, इधर आ। नहीं बेटा चोट लग जाएगी। और आज वो फ्री हो जाएंगे तो हमने सोचा है रात को मरीन ड्राइव जाएंगे। वहाँ पे सब बोलते हैं कि रात को बहुत अच्छा व्यू होता है, रात को जाना चाहिए, तो इसीलिए अभी हम जाएंगे। उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं बस, तो उनके साथ जाएंगे मरीन ड्राइव। कपड़े वगैरह चेंज नहीं किया है, वही पहना है, वही पहन के जाऊँगी। देखते हैं उसके बाद क्या प्लान होता है, कैसे क्या होता है। सो गाइज ब्लॉग में बने रहें एंड ब्लॉग को खूब सारा प्यार दें, इंजॉय करें। ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब हर ब्लॉग में पतिदेव दिखेंगे और हम दोनों साथ में ब्लॉगिंग करेंगे। सो गाइज बहुत सारा प्यार दो यार, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फाइनली दामाद जी आ चुके हैं, इतने इंतजार के बाद आए हैं दामाद जी। जिसके ऑफिस में मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ ना, दामाद जी हो आप उनके, तो उनके हिसाब से बोल रही हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, रात के बज चुके हैं 10। अभी बेटा मरीन ड्राइव लॉन्ग ड्राइव पे चल चल लॉन्ग ड्राइव निकाल के घर जाएगा फिर वापस हम फिर उतना तो डेली फिर आ गया थकान हो गई। अच्छा इधर से मरीन ड्राइव पास। हां अभी कल सुबह ले सीधी भी नहीं गएगा और थक जाएंगे तो मैं कोनो घर के आसपास शनि देव की मंदिर पर मस्त घूमने के। गाइस पतिदेव आ चुके हैं ठीक है, एंड हम लोग आज जा रहे हैं मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। मैंने चेंज नहीं किया है, सुबह वाली ड्रेस में हूँ। और ये क्या है बताओ? सी ये है मुंबई का राजीव गांधी सी लिंक। हाँ और ये यहाँ का बहुत फेमस एरिया है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम कार से बाहर निकलते हैं एंड आप सभी को दिखाते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द नाइट ब्यूटी ऑफ मुंबई। चले सो अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग मरीन ड्राइव। पहले कुछ खाएंगे उसके बाद मरीन ड्राइव चलेंगे। पतिदेव से मिलवा ये हमारे पतिदेव जी। सो फाइनली 3 दिन हमारा मिलाप हो गया। 3 दिन ऑफिस का काम करने के बाद आई एम फ्री नाउ आई कैन से। तो अभी मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी लेट ज्वाइन किया है हालांकि निक्की एंड फैमिली को, लेकिन मेरा अपना प्रोफेशन का काम नहीं छोड़ सकते। तो जैसे निक्की ने बताया हम अभी हैं राजीव गांधी सीलिंग पे बॉम्बे का, जो कि काफ़ी फेमस है एंड बहुत सुना है। मुंबई में तीसरी बार आया हूँ लेकिन घूमने का मौका ऑनेस्टली मुझे पहली बार मिल पा रहा है। यस हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं आई ऑलवेज बिलीव कि भगवान जो करता है आपकी लाइफ में अच्छे के लिए करता है। तो देखिए 3 बार शादी से पहले 2 बार आया था, शादी के बाद आज पहली बार आया हूँ। निक्की मेरे साथ है जिसकी वजह से मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच निक्की फॉर दिस। थैंक यू टू माय मदर, मेरी मामी एंड बच्चा पार्टी जिन्होंने इसको प्लान करके हमें भेजा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेट्स स्टे कनेक्टेड। चलो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only रात के कितना टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं और हम रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते अब आए हैं। और ये मुंबई की सड़कें देख के लग ही नहीं रहा कि यहाँ के रात के 12 बज चुके हैं। मतलब इतनी भीड़, सारे मार्केट, सब रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें ओपन हैं। चलो अब कुछ खाते हैं पहले, फिर जाएंगे मरीन ड्राइव। पहले भूख लगी है तो पहले कुछ खाना है। शादी नहीं करना चाहिए।
सही में यार इतना अच्छा लग रहा है मुझे, 2 साल में पहली बार आपके साथ मुझे अच्छा लग रहा है। मौसी सही में बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे फैमिली के साथ रात को ऐसे घूमते हुए। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया। नहीं अब हम मरीन ड्राइव जहाँ जाने के लिए आए थे, मरीन ड्राइव जाने के लिए ये हमारा सैनिक सोया हुआ है इसीलिए हम घूम पा रहे हैं। सैनिक अभी उठा होता तो आतंक फैल चुका होता। सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोग को, मतलब ये वर्ड में ना सारे ब्लॉग में बोल रही हूँ, आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद इतनी खुश हूँ कि यही वर्ड ही निकल रहा है। ओ भाई साहब गुस्सा हो रही है ना ये, समझ लीजिए सामने वाला है बीएमसी ऑफिस है, बीएमसी ऑफिस है इतना बड़ा बीएमसी। हाँ और सामने जो है कोर्ट है वो, नहीं ताज होटल है पहले, मेरे नहीं रिकॉर्ड है सर, सीएसटी है। सीएसटी क्या स्टेशन? हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो करना था, रिकॉर्ड करना लाइट था। बंद है, कोई बात नहीं, वो मैंने वो इधर के उधर से कोई वीडियो बन रहा था, नहीं बना रहा लाइट से। हाँ ये ना मैंने। सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं कहाँ, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सीएसटी, सीएसटी रेलवे स्टेशन जो कि बॉम्बे का फेमस है। हमने उसमें कितनी बॉलीवुड मूवीज में और काफी जगह वीडियोस वगैरह में और हमने वो देखा होगा क्या, वो बीच में जो वो घड़ी सी दिख रही है। हाँ दिस इज रियली रियली गुड एम्बियंस आई कैन से। इसकी जगह नाम सर इस पे से बाबू उसके ऊपर कैसा लग रहा है अपनी बीवी के साथ ऐसे अकेले अंधेरी सड़कों पर घूमते हुए? बीवी को अच्छा लग रहा है, मैंने बोला नहीं 2 साल में सबसे अच्छे अच्छे पल मुझे ये लग रहे हैं आपके साथ। लाइटिंग है भाई यहाँ, मैंने बताया तो आपका, आप बताओ। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my... So guys, हम लोग पहुंच गए finally अपने location पे, ढूंढते बढ़ते, but यहाँ शायद late हो गया तो पुलिस वाले अंकल मतलब हटा रहे हैं लोगों को, but चलो दिखाते हैं आपको मरीन ड्राइव। आप मुझे comment में बताना है कि ऐसा यहाँ पे क्या है जो इतना नाम है मरीन ड्राइव का। आराम से इसको है ना, वो कहीं अंदर ना चला जाए। कैसे पत्थर अच्छा बस ये क्या रिकॉर्डर है। चले मैं वही देखते, मुझे अब यहाँ पहुँच के पता चला कि वो जो उधर पत्थर उत्थर दिख रहा है उस तरफ उसी की वजह से ज़्यादा समझ टीवी सीरियल दिखता है। चलो भगा रहे हैं पुलिस अंकल, जा रहे हैं हम। एक सेलिब्रिटी को भगा दिया है ना भाई, रात का टाइम है वो है बेइज्जती कर दी मेरी। तुम एक काम करो आगे बैठ जाओ, आगे से वीडियो बनाते रहो। हां आप सही से बैठ जाओ, चलिए
अब मैं बैठूंगी, मौसी को बीच में कर दोगे? ओके, अब हम आगे से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। उठ गई, खाने का भूख नहीं लगा है, खाने पी गया हमने यार। चलो चलते हैं, अब मैं आगे से आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। पीछे बैठ के मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मुझे मरीन ड्राइव कुछ खास लगा नहीं, सही बताऊं तो ऊपर से एक सेलिब्रिटी की बेइज्जती कर दी पुलिस वाले तो और दिल पे लग गया मेरे। मैं यूट्यूबर हूँ, बताना चाहिए था ना। पोर्शन वो करोगे ना रिकॉर्ड, तब तो दिखेगा। लाइट वाला तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये अपनी शक्ल क्या दिखा रहे हो? अब मैं अपने अभी दिखा रही हूँ ना, इधर से दिखाओ ना। यू अभी अभी कुछ अच्छा आएगा तब दिखाऊंगी, तब तक मैं अपनी शक्ल दिखा देती हूँ। चलो गाइस, लेकिन वो समझ गया आप देखते हैं जो लड़ी थी। हाँ चलो चला चला। बज रहे हैं 3 और हम लोग आ गए घर, और मेरी धनवी सो के उठ गई, अब हमें सोने नहीं देगी। अब हम लोग जा रहे हैं, सोएंगे थोड़ी देर, फिर सुबह 6 बजे उठ के सिद्धि विनायक मंदिर जाना है, हाजी अली जाना है, लक्ष्मी जी टेम्पल जाना है, बहुत सारी जगह जाना है। सो मिलते हैं आप लोग को सुबह। अभी मैं फ़िलहाल ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड खूब सारा प्यार दो।